फिर हेरा फेरी के बाद एक बार फिर से गोरिल्ला की एंट्री होने वाली है इस मूवी के अंदर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा हेलो चार्ली मूवी के ट्रेलर के बारे में, जिसे अमेजोन प्राइम वीडियो के चैनल पर रिलीज किया गया है और ये 9 अप्रैल को अमेजोन के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पंकज सारस्वत ने और इसके अंदर कास्ट है राजपाल यादव, जैकी श्रॉफ, आधार जैन, शलोका पंडित और बाकी अन्य कलाकार। नो डाउट जो एक्टर है, जो स्पोर्टिंग कास्ट है, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी हुई है। मुझे बात करनी है इस मूवी, ये जो ट्रेलर आया है इसमें जो कहानी दिखाई गई है, जो इसमें कॉमेडी के नाम पे मतलब गंदा मजाक किया गया है, कॉमेडी के ऊपर भी इन्होंने मजाक कर दिया, उसके बारे में मुझे बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्टोरी है, हमें ट्रेलर देखते ही पता चल जाता है और मेरे हिसाब से हर कोई गैस कर सकता है कि इसकी इस मूवी की कहानी क्या होने वाली है। एक इंसान होता है जिसने बैंकों से बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया और अब वो फरार होना चाहता है और उसको कोई आइडिया देता है कि भाई तुम एक गोरिल्ला की ड्रेस पहन लो और तुम्हें गोरिल्ला की ड्रेस पहनाकर ये देश की सीमा जो है वो पार करवा देंगे। जब वो गोरिल्ला की ड्रेस पहन के निकलता है तो एक और इसमें ट्विस्ट लाने के लिए, कॉमेडी लाने के लिए एक रियल गोरिल्ला इसके सामने आ जाता है। अब इतने ज्यादा ये हमशक्ल हैं कि हमें पता ही नहीं चल पाता, हम फर्क ही नहीं पता कर पाएंगे कि कौन रियल और कौन नकली। वैसे देखा जाए तो दोनों ही दूर से नकली नजर आएंगे, फिर भी इन्होंने हमारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि हमें मानना ही पड़ेगा एक असली है। इस पूरे ट्रेलर में एक सेकंड भी हंसी नहीं आई होगी, इतना मतलब देखो यार, ट्रेलर जो होता है वो मूवी के अच्छे सीन्स को काट छांट कर हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम उससे कनेक्ट हो, हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर बने और हम देखें कि मूवी कैसी होने वाली है। लेकिन अगर ये जो ट्रेलर है वो बेस्ट सीन को काट छांट कर बनाया गया तो भाई साहब सोच लो यार, मूवी कैसे होने वाली है। ट्रेलर देखकर मूवी की स्टोरी का पता चल जाता है, जिससे पता चलता है कि भैया इसकी कहानी कितनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, नथिंग इंटरेस्टिंग। और इस चीज को और ज्यादा खराब करते हैं इसमें जो VFX इन्होंने यूज किए हैं, इतने चीप VFX यार Amazon प्राइम वीडियो पर, मतलब Amazon प्लेटफॉर्म पर इतनी ऐसी मूवी कैसे ला सकते हो यार, थोड़ी बहुत तो इसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए यार, अमेज़न को सोचना चाहिए कि उनको क्या दिखाना है। और इसके बाद आते हैं इसमें जो डायलॉग यूज किए यार, वो डायलॉग थे यार, क्या वो डायलॉग का मतलब बनता है कि अगर गोरिल्ला आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, तब तो गोरिल्ला करेगा। इतने थर्ड क्लास वो डायलॉग यूज कर रखे हो यार, इतना मतलब घिसे पिटे, उनके ऊपर हंसी नहीं आती यार, मतलब वो लिखने वाले के ऊपर हंसी आती कि क्या लिख रहे हो तुम। और इससे साफ पता चलता है कि इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं गई है राइटिंग के ऊपर यार, एक तरीके से गली सड़ी चीज को एक नए टिफिन में पैक करके हमारे सामने परोसने की कोशिश की जा रही है। VFX इतने घटिया है, कहानी प्रेडिक्टेबल है, डायलॉग के नाम पर थर्ड क्लास चीजें हमारे सामने रिप्रेजेंट की गई हैं यार, क्या है इस ट्रेलर में जो देखें कि हाँ भी मूवी आएगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा या फिर हम इतने एक्साइटेड हो, बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है। और सच कहूं बॉलीवुड से कोई उम्मीद रखना कि ये लोग मेहनत करके कोई अच्छी सी कहानी हमारे सामने रिप्रेजेंट करेंगे वो तो यार भूल जाओ। अब तो इनकी एक रीत चल पड़ी है कि बढ़िया चीज नहीं बनानी है, घटिया कौन बनाएगा, इनके बीच में कंपटीशन चल पड़ा और अब एक से बढ़कर एक घटिया कंटेंट परोसने की कोशिश हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब किसी की वीडियो देखोगे तो तुम यही कहोगे कि ये तो बॉलीवुड टाइप की वीडियो है, मतलब बॉलीवुड को एक तरीके से घटिया कंटेंट के तौर पर यूज किया जाएगा। और एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं, देखो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी मुझे इसके अंदर, उन्होंने मेहनत की है साफ पता चलता है, लेकिन मुझे इस ट्रेलर के जो कहानी दिखाई गई, जो इसमें कॉमेडी के नाम पर ये घटिया से डायलॉग यूज किए गए, VFX जो इसके अंदर यूज किए, उससे मुझे ऐतराज है। इसमें कोई कुछ भी कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं था, तो बस सच में यार इससे और ज्यादा बात तो हो भी नहीं सकती। अगर आप लोगों ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेलर देखा है तो प्लीज बताना कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप देखने वाले हैं 9 अप्रैल को जब ये मूवी आएगी, बेशक कुछ लोग तो देखेंगे ही। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।